नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजय ज्योतिष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे संख्या तत्व के अनुसार छह संख्या के बारे में विस्तार से, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। संख्या तत्व में छह संख्या शुक्र ग्रह को दर्शाता है। किसी भी जातक या जातिका के अगर जन्म किसी भी महीने पे 6, 15 और 24 तारीख को है, तब उस जातक या जातिका के जन्म संख्या या मूलांक होता है 6। प्राचीन भारत और तिब्बत में इस संख्या को जादुई संख्या माना जाता है। ये संख्या असंभव को संभव बना सकता है। इस संख्या के अंदर कामना वासना का साया भी दिखाई पड़ता है और इसके साथ साथ ये सर्वत्यागी भी होती है। इस संख्या के जातक में धैर्य शक्ति हद से ज्यादा दिखाई पड़ता है। ऐसे जातक तंत्र मंत्र में पारदर्शी होता है। ऐसे जातक के जीवन दर्शन एक अलग किस्म के होते हैं। हर चीज को ऐसे जातक एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसे जातक अपने बातों से दुनिया को सम्मोहित कर सकते हैं। ऐसे जातक साहित्य, प्रेम निवेदन और श्रृंगार में माहिर होते हैं। ऐसे जातक अनुभवी होते हैं और इसलिए ऐसे जातक दूसरों की दुख दर्द सह नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन ऐसे जातक अपने हाथों से ही दर्दनाक बना लेते हैं। बच्चों के लिए ऐसे जातक हद से ज्यादा अनुभवी होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये विषय आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आपके अपनों में जरूर शेयर करना, ताकि वो भी आपके जैसा इस विषय को जान पाए और इसको अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपने जिंदगी को आसान बना पाए। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस करना, ताकि इस चैनल का कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सके और उसको अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपने जिंदगी को आसान बना पाए। दोस्तों, अगर आपके जिंदगी में ऐसे कोई समस्या है तब जितना जल्दी हो सके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। भारतीय ज्योतिष के बारे में अगर आप में कोई भी प्रश्न है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पुरंजय ज्योतिष और पुरंजय ज्योतिष के सफलता के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट पे लॉगिन करके हर एक टेस्टिमोनियल को पढ़ भी सकते हैं जो हमारे दोस्तों के द्वारा लिखा गया है पुरंजय ज्योतिष के बारे में। आज यही तक, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में भारतीय ज्योतिष के और एक चौंकाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहना, आपके परिवार वालों को खुश रखना। नमस्कार।